हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हराम ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग वर्क एट हाइट के बारे में बात करेंगे। वर्क एट हाइट क्या है और उससे कैसे बचना है, और ऊंचाई पे काम करने के टाइम में हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो उसके बारे में हम लोग एक रिफ्रेशमेंट क्लास कराएंगे। वो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही यूजफुल होगा जो लोग ऑयल एंड गैस में काम करते हैं। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अब तक आसानी से वर्केट पहुंच हाइट सके। क्या है और वर्केट हाइट में काम करने के लिए क्या सेफ्टी चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग को एक रिफ्रेशमेंट, क्योंकि हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि वर्केट हाइट क्या है, ऊंचाई पर काम क्या है और उससे कैसे बचना है। हम बहुत अच्छी से सब आदमी को मालूम है, लेकिन काम के प्रेशर में या कुछ ऐसा मानसिक दबाव में आदमी कभी कभी कुछ चीजें, छोटे छोटे चीज भूल जाता है, चाहे उनको याद नहीं, कभी घर का टेंशन होगा, कभी साइट का टेंशन होगा, कभी रूम का टेंशन होगा। तो इसलिए सुबह आए तो आज हम लोग ये बता दे रहा है कि सुबह में आए तो आप रिफ्रेश रहे, और यदि वो क्लाइंट आपको पूछ रहा है तो आप क्लियर कट आंसर दें, ना कि आप कंफ्यूज हो जाए। आपको मालूम है बहुत सारा आंसर ऐसा है कि आपको कोई क्वेश्चन किए, ये सारा जो क्वेश्चन शीट है ना, ये सब आप लोग के जानकारी का है, लेकिन इसमें जब आप देखेंगे ऐसा फर्स्ट में पढ़ के तो लगेगा इसका आंसर ए होगा या बी होगा, कंफ्यूज हो जाएगी। इसलिए वो ट्रिक को समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और जो भी कोई साइट पे या इधर ऑफिस में कोई भी क्लाइंट आया कर, यदि ऑडिट के लिए पूरा साइट में तो जाएगा भी नहीं, लेकिन किधर भी जाए तो हम लोग को रेडी रहना है, किसी से भी पूछे कि वर्केट हाइट क्या है, ऊंचाई में है और उससे कैसा बचने का है, क्या चेक करने का है, सेफ्टी हार्नेस कैसा यूज करेंगे, उसी के बारे में, ठीक है। वर्केट हाइट के बारे में जैसे हम लोग को बता रहा है, तो अभी इतना सारा चीज हम लोग को है, इसमें हम लोग को वर्क एट हाइट में जाने से पहले हम लोग को देखना है और इसको हम लोग को फॉलो करना है। यूज ऑफ WHPP, मतलब वर्क एट हाइट का जो पीपी है उसको यूज करना है, वो पहला बोल रहा है। तो वर्क एट हाइट में जाने के लिए हमको क्या पीपीई चाहिए, तो एक मैंडेटरी पीपीई के अलावा हम लोग को स्पेशल पीपीई चाहिए, जिसमें हम लोग को सेफ्टी हार्नेस बोलता है, जो कि ये सेफ्टी हार्नेस है, तो ये हमको चाहिए। इसी के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, बाकी तो सारा चीज आप लोग जानते ही हैं, और इसके ऊपर थोड़ा हम रिफ्रेशमेंट देंगे, ठीक है। तो हमको जैसे पीपी इंडस्ट्री में हम आए हैं, प्लांट में आए, तो हमको तो मैंडेटरी पीपी जो 5 है वो तो मालूम ही है, हम लोग को फुल स्लीव कवरऑल चाहिए, हेलमेट चाहिए, शू चाहिए, ये सब तो है। तो वो होने के साथ साथ हमको जब हाइट में जाना है तो हमको सेफ्टी हार्नेस जरूरी है, ठीक है। तो सेफ्टी हार्नेस हमको कैसा यूज करना है इसके बारे में मैं थोड़ा ब्रीफ करेगा। देखिए, जब कभी भी हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर जाने से पहले हमको फर्स्ट स्टेप में चेक करना है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, या तो परमानेंट प्लेटफॉर्म होगा नहीं तो टेम्पररी प्लेटफॉर्म होगा, जिसका फोल्डिंग का हम लोग यही दो चीज पे जाता है। तो यदि हम इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जा रहा है तो हमको वहां पर थोड़ा ज्यादा इंस्पेक्शन करना है, उसको ज्यादा चेक करना है। क्या करना है कि हमको पहले चेक करना है कि जो हमारा एक्सेस है वो एक्सेस पे जो एक टैग दिया होगा, इसका फोल्डिंग का टैग होगा, वो टैग हमारा प्रॉपर वैलिड है कि नहीं, मतलब वो वीकली टैग होता है, वो उसका डेट हमको चेक करना है, उसका जो इंस्पेक्टर होगा वो चेक करके वो डेट अपडेट करता है, क्योंकि इसका फोल्डिंग तो बना दिया, आज इसका फोल्डिंग बना दिए, 2 दिन के बाद या 10 दिन के बाद उसमें मॉडिफिकेशन आ गया, उस समय वो ग्रीन टैग लगा के चला गया, हो सकता है कोई आके देखा नहीं और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, इसलिए उसका वैलिडिटी लिमिट किया है कि 1 हफ्ता ही होना चाहिए, 1 हफ्ता के अंदर दूसरा फिर उसका इंस्पेक्टर आएंगे और आकर के वो पूरा चेक करेंगे सराउंडिंग, उसमें कुछ मॉडिफाई तो नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो उसको करेक्शन करके क्लियर किया है कि नहीं, फिर उसके साइन करके दे देंगे। तो हमको कार्ड देखना है, कार्ड तो ग्रीन होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, ये 2 चीज देखना है। हम लोग को पता है कि नहीं, हमको ग्रीन देखना है, ग्रीन नहीं अपडेटेड होना चाहिए। दूसरा है कि जब हम ऊपर जाने का है तो हमारा बेसिक, जैसे हम लोग सब आदमी जानते हैं कि 3 पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए, इसमें भी होगा, देखिए 3 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो हमको 3 पॉइंट कांटेक्ट यूज करना ही है। जब भी असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, ऊपर चढ़ने के टाइम में या उतरने के टाइम में, 2 हाथ हमारा टच होगा लेडर में तो 1 पैर उठेगा, 2 पैर टच होगा तो 1 हाथ उठेगा, तो ही हम लोग ऊपर या नीचे जा सकते हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, काम के भागदौड़ में या कुछ जल्दीबाजी में या सुपरवाइजर का प्रेशर में, जैसा भी समझिए, वो क्या करते हैं कि चलो एक छोटा सामान है हम लोग ऐसे ही लेके जाएंगे, लेकिन देखिए सुपरवाइजर का काम है, वो आपको प्रेशराइज करेंगे, उनका प्रोडक्शन लेना काम है, लेकिन आपका आपका सेफ्टी देखना काम है, क्योंकि आप फाइनली आप अपने आप को बचा सकते हैं, कोई सुपरवाइजर या कोई सेफ्टी आपको नहीं बचाएंगे। तो इसलिए आपको जब काम करने के टाइम में आपको देखना है, आपको फील आएगा कि नहीं यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर मैं अपने आप को नहीं बचा पाऊंगा, तो वहां पर उस सेफ्टी को आपको फॉलो करना है, आपको उसका प्रिकॉशन लेना ही है।
तो जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको ये देखना है कि नहीं हमारा हाथ में कुछ सामान नहीं होना चाहिए, एक छोटा स्पेनर भी नहीं होना चाहिए। यदि एक छोटा स्पेनर पॉकेट में आ गया तो ठीक है, नहीं तो उसके लिए बास्केट यूज करेंगे, दूसरा सिस्टम लेंगे, लेकिन हमारा हाथ फ्री होना चाहिए तभी तो हम थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट बना पाएंगे। तो ऊपर जाने से पहले हमने चेक कर लिया कि हमारा इसका फोल्डिंग है जो ग्रीन है और अपडेटेड है, और हमने जो यूज किया जो रास्ता वो हम थ्री पॉइंट कॉन्टेक्ट को मेंटेन करके ऊपर गए। ऊपर जाएंगे तो भी हम एकदम सिक्योर नहीं है, हम वहां पर रनिंग नहीं कर सकते हैं, वहां पर जाने के बाद भी हमको चेक करना है कि हमारा जो साइड हैंडल है वो बराबर फिक्स है क्या, कहीं लूज तो नहीं है, हमारा जो बोर्ड है वो जो बोर्ड कहीं पे लूज तो नहीं है, वो हमको थोड़ा पैर मार के देख लेना है। टो बोर्ड है जो साइड में लगा हुआ रहता है, वो टो बोर्ड जो है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि टो बोर्ड ही एक ऐसा ये चीज है कि जहां पे आपको छोटा कुछ सामान हो गया या आपका पैर हो गया कहीं थोड़ा नीचे गया तो वहां पर स्लिप होने का चांस है या गिरने का चांस है या ट्विस्ट होने का चांस है, तो वो भी देखना है कि हमारा बराबर है कि नहीं, यदि कुछ ऐसा है तो हमको उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो ये सारा चीज हमको देख के ऊपर जाना है। ऊपर जाने के टाइम में सेम जब ये हार्नेस लेके जाते हैं तो इसको 100% टाई अप करना है, उसको यूज करना है, ये जो हुक है इसको यूज करना है। तो ये आप लोग जैसे आप लोग सब आदमी जानते हैं, बताइए आप लोग को मालूम होगा ये हुक को क्या बोलते हैं, चलिए ये स्नैप हुक है, स्नैप हुक है, इसको हम लोग को केवल ऐसा दो जो बनाया हुआ है हमारा सेफ्टी के लिए दिया हुआ है कि हमको कहीं जब ट्रेवल करना है एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एक हुक को लगाएगा, दूसरे को खोलेगा, दूसरे जगह जाएगा उसको फंसाएगा फिर आगे जाएगा, क्योंकि हमको फ्री मैदान नहीं मिलेगा, बहुत सारा ऑब्स्टेकल होगा, कहीं पाइप होगा, कहीं इसका फोल्डिंग होगा, तो हमको क्लियर मैदान नहीं मिलेगा, कहीं और कोई रोप नहीं है कि ऐसे स्लाइड करके चले जाएंगे, तो इसलिए दिया है वन बाय वन करके हम लोग आगे बढ़ने के लिए। तो ये जो है स्नैप हुक है इसको हमको चेक करना है पहले कि स्नैप हुक प्रॉपर है कि नहीं है। तो क्या चेक करेंगे, इसका जो ये क्लिप है ये बराबर काम करता है ना, ये दोनों बराबर काम करना चाहिए। जब इसको प्रेस करेंगे तो जब छोड़ेंगे, क्योंकि हुक करना है तो किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ हुक करेंगे, कोई पाइप होगा कोई हैंडल होगा तो उसमें हुक करना है, तो हुक करने के बाद जब इसको दबाएंगे प्रेस करेंगे तो जब छोड़ेंगे तो ऑटोमेटिक क्लोज होना चाहिए। जब ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा है इसका मतलब है कि ये बराबर है, ये हमको सेफ्टी कर सकता है। सेम सेम जैसे वो लिफ्टिंग गियर्स है ना, जैसे चैन ब्लॉक है उसमें भी ऐसे ही टाइप का रहता है, हमने फंसा दिया और ये यदि वापस नहीं इसको लॉक करेगा तो फिर वो स्लिप होने का चांस है, उससे निकलने का बेल्ट और वेब स्लिप निकलने का चांस होगा। सेम ये भी है, इसमें भी लॉक नहीं होगा तो क्या होगा, हम कभी ट्विस्ट होंगे इधर जाएंगे उधर हमारा मूवमेंट होगा तो वहां से हमको निकलने का चांस है, तो ये हमको चेक करना है कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में ये हमको चेक करना है, ये हमारा ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा लेनियार्ड है, लेनियार्ड है, लेनियार्ड को हमको प्रॉपर चेक करना है कि इसका स्टिचिंग है, जो स्टिचिंग दिया हुआ है ये स्टिचिंग बरोबर है कि नहीं, कहीं कटा पटा तो नहीं है। बहुत सारा हम लोग का एक्टिविटी चलता है एक ही साथ में, तो हम लोग क्या करते हैं साइड पर लेके चले जाते हैं और प्रॉपर हैंगिंग नहीं करते हैं, काम के जल्दबाजी में जैसे भी कर या स्टोरेज के टाइम में स्टोर में रिटर्न किए तो वहां पर भी प्रॉपर रख रखाव नहीं होता है, जिसके कारण से एक कटने का चांस होता है, कोई सामान ऊपर लग गया, नहीं तो क्या होता है कि बहुत टाइम हो गया तो भी वो स्टिचिंग निकलने का चांस होता है, वो हमको चेक करना है। इसका स्टिचिंग निकल गया तो हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी होगा वो घट जाएगा, तो ये हमको चेक करना है। लेनियार्ड को प्रॉपर हमको एक बार ऐसा करके चेक कर लेना है, ठीक है। लेनियार्ड के बाद आता है हमारा ये शॉक ऑब्जर्वर, ये क्या है, शॉक ऑब्जर्वर है, ये शॉक ऑब्जर्वर क्या है, सेम इसके जैसा पट्टा है लेकिन इसको कंप्रेस करके अंदर डाला हुआ है, क्योंकि जब हम लोग ऊपर से गिरेंगे तो ऊपर से गिरने के टाइम डायरेक्ट हमारे ऊपर फोर्स आएगा तो हमारा चेस्ट है, हमारा बैक बोन है, उसमें क्रैक आने का चांस है, उसके ऊपर फ्रैक्चर होने का चांस है। तो ये क्या करता है, इंपैक्ट को कम करता है, ये जो है जो डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे बॉडी पर आता है उसको कम करता है, तो इसलिए हमको ये जरूरी है। तो इसमें भी हमको चेक करना है कि इसका जो पॉकेट है ये कटा तो नहीं है, यदि ये कटा है किधर से लूज है तो इसका मतलब नहीं है, कंप्रेस किया हुआ का कोई मतलब नहीं है, ये खुल जाएगा जल्दी, तो ये भी हमको चेक करना है बराबर है कि नहीं। उसके बाद है ये आता है, इसका क्या नाम है, ये डी रिंग है, डी रिंग भी हमको चेक करना है कि प्रॉपर है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे, इसको देखेंगे कि इसके ऊपर, क्योंकि ये मेटल का है तो इसके ऊपर कोई रस्ट तो नहीं है, कोई इस पे मतलब कोरोजन तो नहीं हो गया, जंग लग गया तो वो फिर इसका कैपेसिटी लूज हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉपर काम करता है, बंद होता है खुलता है बराबर है कि नहीं, लॉक होता है कि नहीं, ये चेक कर लेंगे। उसके बाद से फिर आता है ये बेल्ट, बेल्ट का भी फिर स्टिचिंग देख लेंगे। इसके बाद ये बकल है, बकल भी बराबर है कि नहीं ये चेक करना है।
तो ये सारा चीज हमको पॉइंट है कि हमको चेक करके ही हमको ये हार्नेस को यूज करना है। यूज करने से पहले भी आपको एक मंथली इंस्पेक्शन होगा जिसमें इसमें टैग लगा होगा, इसमें तो नहीं है लेकिन एक टैग होगा, वो मंथली एचएससी की तरफ से होगा, वो कलर कोडेड होगा, मतलब क्या वो मंथ के लिए वो वैलिड है, वही हमको हार्नेस को यूज करना है। इसका मतलब नहीं है कि एक महीना का टैग लग गया तो इसका फोल्डिंग पे जाने के लिए सेफ हो गया, वो हार्नेस सेफ हो गया, सेफ नहीं है, हमको डेली रूटीन में इसको चेक करना है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक ये था। अभी इसमें से कोई आदमी पहन के दिखाएंगे कि कैसा हार्नेस को पहनना है, हमारा मकसद ये भी है कि हमको एक आदमी को पहना के दिखाना है कि ये हार्नेस कैसा पहनना है और सब आदमी को बताना है। कौन आदमी है जो आप पहन के दिखाएंगे? कोई एक आदमी आइए, जल्दी आ जाइए कि खत्म करेंगे, बाकी तो सब आप लोग और कठाई का समझ ही रहे हैं, इसको पहन के बताइए। मुश्किल आ जाएगा, कुछ दबे नहीं, दबे का कैसे जा, ये देखो ना लबड़ा ना, तो देखिए ऐसा पहन लिए। अब इसमें हमको क्या चेक करना है कि ये जो पहने हैं ये बराबर पहने हैं कि नहीं पहने हैं, तो देखिए लिखा होगा नहीं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, बराबर पहना है, सही पहना है, सही पहना है, लेकिन इसमें गैप मेंटेन करना है, गैप इतना होना है तो वो इतना भी लूज नहीं होना चाहिए, तो आदमी को इसमें हम हाँ ये एक सही बोले, एक करेक्ट अपना ऐसे नहीं, तो मतलब ये हमको ज्यादा टाइट भी नहीं, ज्यादा टाइट भी नहीं है, ज्यादा लूज भी नहीं, हमारा ये जो हाथ है इसमें घुस गया मतलब काफी है, एकदम टाइट भी कर देंगे तो हमारा मसल पकड़ेगा, इस पाइप से उस पाइप जाना तो उसको भी थोड़ा फ्री रहेगा, तो भाई हाथ जाएगा दोनों तरफ, हाथ जाएगा ना, इधर इधर हाथ जाएगा, इधर हाथ जाएगा, मतलब क्या है कि ये सही है हमारे लिए, मूवमेंट के लिए भी सही है। ठीक है, ज्यादा लूज रहेगा तो दब जाएगा ना, दब जाएगा या किधर भी दूसरा जगह वो मसल को क्रैप कर देगा। ठीक है, तो ऐसे पहनने का ओके। और देखिए अब इसमें मैं जैसे कि हम लोग ऑलमोस्ट कवर कर दिया क्या क्या करना, हमने जैसे पहले ब्रीफ किया जैसे कि यूज ऑफ वर्क एट हाइट पीपी हो गया, प्रॉपर केयर ऑफ पीपी हो गया, है कि पीपी का हम लोग को कैसा केयर करना है, उसको बराबर सावधानी से यूज करना है क्योंकि हमारे लिए है, तो उसके लिए बताया थ्री पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बता ही दिया कि इसका फोल्डिंग पर कैसे हम लोग को लेवल पर चढ़ना है, हाउसकीपिंग एट हाइट ऊंचाई पर हम लोग जब काम करेगा तो उसका हाउसकीपिंग मेंटेन करना है, नहीं तो क्या है ना फॉलिंग ऑब्जेक्ट का चांस होगा। ठीक है, तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट टूल्स एंड पीपी जो टूल्स है वो गिरने का चांस होगा, वर्क एट हाइट पे काम कर रहा है तो हमारा क्या खतरा होगा उसके बारे में बता रहा है कि हम कुछ भी मेटेरियल स्टोर कर रहा है वो प्रॉपर सिक्योर करने का है, खास करके छोटा मेटेरियल, क्योंकि उसमें जो कहीं से भी छोटा मोटा गैप होगा वो गिरने का चांस होगा, तो इसलिए हमको उसको सिक्योर करके रखना है, कोई छोटा सा नट बोल्ट हो गया या कोई गैसकेट छोटा सा हो गया उसको एक बकेट में एक ट्रे में करके रखना है, नहीं तो कुछ भी नहीं तो एक प्लास्टिक का सीट लगा के उसके ऊपर रखना है और एक साइड में रखना है, वॉकिंग एरिया में वर्किंग एरिया में नहीं रखना है, तो उसके बारे में बता रहा है। उसके बाद मेटेरियल स्टोरेज रिमूवल, वही मैं जो बोला मेटेरियल का स्टोरेज हमको प्रॉपर करना है, जो नहीं चाहिए उसको हमको निकाल देना है, वर्क एट हाइट पर ऊंचाई पर नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद में है इसका फोल्डिंग, इसका फोल्डिंग तो हमको इसका फोल्डिंग के बारे में ऑलरेडी मैं बता ही दिया कि कैसे यूज करना है इसका फोल्डिंग, वो कैसा होना चाहिए, इंस्पेक्टेड होना चाहिए, ग्रीन टैग होना चाहिए। उसके बाद स्लिप ट्रीटमेंट भाग, जो भी हम ऊपर में काम कर रहे हैं यदि हमारा वहां पर पुअर हाउसकीपिंग है, हमारा मेटेरियल अरेंजमेंट बराबर नहीं है तो क्या होगा, हम स्लिप होने का चांस होगा, ऑयली सरफेस है तो हम क्या होगा पैर हमारा स्लिप होने का चांस होगा, हमको ट्रिप होने का चांस होगा, किसी ऑब्जेक्ट के साथ हम ट्रिप हो गए तो गिरने का चांस होगा। उसके बारे में आइडल पाथ एंड टास्क, हमारा जो काम का दौरान या ऊपर में हम है तो हमारा जो भी एक्टिविटी होगा वहां पर हमारा फोकस उस एक्टिविटी के ऊपर होना चाहिए, हमारा जो जब हम वॉकिंग कर रहे हैं तो हमारा सामने ध्यान होना चाहिए, ना कि हमको दूसरा काम के बारे में किसी से बात करते हुए या नहीं तो कोई काम का ध्यान में लेकर के चलना है, क्योंकि हम लोग हाइट पे ग्राउंड लेवल पे नहीं है, इसलिए हमको आईज ऑन पाथ होना चाहिए, हमारा ध्यान जो है हमारा सामने होना चाहिए जहां पे हम चल रहे हैं। ठीक है, तो वो होना चाहिए।
कोलिजन मेटेरियल सेफ्टी, मेटेरियल सेफ्टी के बारे में ऑलरेडी बता दे कि मेटेरियल हमको जो चाहिए उसके हिसाब से प्रॉपर अरेंजमेंट करना चाहिए, जितना चाहिए उतना लेके जाने का है, प्रॉपर सेफ्टिंग एंड अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। रिगिंग एट हाइट, हाइट में हम लोग काम कर रहे हैं तो उसका रिगिंग हमको प्रॉपर मैनर में करना है, ऐसा नहीं है कि हम लोग जो नीचे में काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऊपर में, जैसे नीचे में हम लोग मैनुअल हैंडलिंग करता है तो ऊपर में हम लोग मैनुअल हैंडलिंग उस हिसाब से नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां का सिचुएशन कुछ अलग है, तो उसके ऊपर हमको रिगिंग के ऊपर स्पेशल ध्यान देना होगा, ठीक है। इवैक्यूएशन एंड हाइट, हाइट पे हम लोग काम कर रहे हैं, कोई इमरजेंसी आ गया तो क्या करेंगे, उस समय में हम लोग को सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है कि वो कुछ इमरजेंसी हो गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया उससे खतरा नहीं होगा, जब हम लोग उससे जाएंगे बाहर उसमें खतरा हो जाता है, क्योंकि हड़बड़ी हम लोग करते हैं, तो उससे बचना है। एक्सेस जो है पहले से मेक श्योर करना है कि हम कैसे हम लोग ऊपर गए, कैसे हम लोग को वापस नीचे आने का है, तो ज्यादा बड़ा वर्किंग एरिया है तो दो तीन जगह एक्सेस दिया होगा, एक ही जगह पे हम लोग को नहीं आकर के सब आदमी को नीचे उतरना है, जैसे दूसरा एक्सेस है तो दूसरा एक्सेस भी यूज करना है, तो वो चीज के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद में केबल मैनेजमेंट है, केबल मैनेजमेंट जैसे कि सब आदमी को मालूम है कि बापको शटडाउन में हम लोग का केबल मैनेजमेंट के बारे में कितना फोकस रहता है, हम लोग कभी भी केबल लेके जाते हैं तो ऊपर में हाइट से लेके जाना होता है, एस हुक यूज करना होता है, नीचे से केबल नहीं जाना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर में नहीं जाना चाहिए, हाइट पे है तो उधर इसका फोल्डिंग के ऊपर ऐसे बीच में से नहीं जाना चाहिए, साइड से होना चाहिए, हाइट में हैंग होकर जाना चाहिए, वो हमको देखना है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है जब हाइट पर हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हम यदि एक कोई मान लीजिए एग्जाम्पल कोई एक स्पूल ही छोटा सा उठा रहे हैं, एक वाल ही फिक्स कर रहे हैं, या कोई कोई फ्लांच ही टाइट बॉक्सअप अनबॉक्सअप कर रहे हैं, तो हमको कम्युनिकेट होना है एक दूसरे के साथ में, हमारा तालमेल होना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो सामने वाले को मालूम होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऊंचाई पे, ध्यान में हमेशा रखना है कि हम लोग ऊंचाई पे, तो इसलिए ऊंचाई पे है तो हमारा एक स्टेप आगे सोचना है, हम लोग ग्राउंड में है तो फिर भी हम लोग कहीं गिरेंगे तो नहीं, लेकिन ऊंचाई पे है तो हमारा एक खतरा एक्स्ट्रा है, क्योंकि हम लोग गिर सकते हैं, गलती ग्राउंड पे भी करेंगे तो हमको नुकसान होगा, लेकिन ऊंचाई पे क्या है कि हम गिर सकते हैं, तो उससे बचने के लिए हमको ठीक है। इतना पॉइंट है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, ओके। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे, देखिए जैसे अभी दूसरा देखिए एक्सेस एंड इंग्रेस, ये क्या है कि अभी हम लोग को कोई भी एरिया में हम लोग यदि हाइट जो है हम लोग वर्केट हाइट का बात कर रहे हैं, यदि हम लोग ऊपर में जा रहे हैं तो भी एक्सेस चाहिए और नीचे भी जा रहे हैं तो भी एक्सेस चाहिए, तो जो भी एक्सेस होगा वो क्लियर होना चाहिए, जो हमारा जो रास्ता होगा वो क्लियर होना, क्या बोल रहा है कि इंश्योर वर्कर कैन गेट सेफली टू बी टू एंड फ्रॉम वेयर दे वर्क एट हाइट, कि हमको इंश्योर करना है कि जो कोई भी काम कर रहा है वो हमारा जो रास्ता है वर्केट हाइट है, जो ऊंचाई का काम है वो सेफली होना चाहिए, है ठीक है, वो हमको इंश्योर करना है। दूसरा क्या है, एक्सेस शुड बी क्लियर फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शन, हमारा जो एक्सेस है हमारा जो रास्ता है वो क्लियर होना चाहिए, कोई भी बीच में रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हम जो भी एरिया में काम कर रहे हैं वहां का रास्ता जो है वो प्रॉपर है कि नहीं, वो देखना है, ना कि हमको काम के ऊपर चला जाना है और रास्ता वहां पे है ही नहीं, तो कुछ इनकेस इमरजेंसी होगा तो हम कैसे वापस नीचे आएंगे, तो हमको देखना है कि हमारा जो रास्ता है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इंश्योर इक्विपमेंट इज सुटेबल स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग एनफ फॉर द जॉब, मेंटेन एंड चेक रेगुलरली, क्या बोलता है कि हमको इंश्योर करना है कि जो हमारा इक्विपमेंट है वो प्रॉपर उस जॉब के लिए सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है, और वो स्टेबल है कि नहीं, वो ठीक है, और साथ ही साथ में वो उस स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, जो हमारा इक्विपमेंट जो भी हम इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जो भी टूल्स, अब जैसे हम लोग पहले बताया कि ए वर्क एट हाइट पीपी, वर्क एट हाइट पीपी में हम लोग जैसे पहले ब्रीफ किया उसी में अब इसको डिटेल देखना है, क्या आएगा हमारा फुल बॉडी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस हमको हाइट पे काम करने के लिए चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या है कि हमको लेनियार्ड भी यूज करना है, क्योंकि हार्नेस हम लोग कहां यूज करता है उसके लिए हमको लेनियार्ड भी चाहिए, साथ ही साथ लाइफलाइन, लाइफलाइन भी हमको होना चाहिए, जो हार्नेस यूज करेगा तो हमारा लाइफलाइन वहां पे होना चाहिए, लाइफलाइन नहीं है तो हार्नेस कैसा यूज करेगा, ठीक है। एंटी स्लिप शूज, हमारा जो शूज होगा वो स्लिपरी नहीं होना चाहिए, कि वो जो शू का जो नीचे का सोल होगा वो हमारा एंटी स्लिपरी होना चाहिए, जैसे कि कुछ भी ऑयल वगैरह हो तो उसमें ग्रिप इतना हो कि स्लिप ना हो जाए, ठीक है, वो होना चाहिए।
सेफ्टी हैट विथ चेन स्ट्रैप, सेफ्टी जो हैट है, जो सेफ्टी हेलमेट है वो चेन स्ट्रिप के साथ में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सेफ्टी हेलमेट लगा लिए हैं और हाइट पे काम कर रहे हैं, हवा की वजह से या कोई भी ऑब्जेक्ट में टच हो गए वो गिर गए तो फिर हम किधर भी हिट कर सकते हैं, किधर भी हमारे हेड को इंजुरी हो सकता है, इसलिए चेन स्ट्रिप के साथ में रहेगा तो क्या होगा, वो गिरेगा नहीं, इसलिए वो चेन स्ट्रिप के साथ में हमारा सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि पहले भी ब्रीफ किया, थ्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए, थ्री पॉइंट कांटेक्ट में हमको मेंटेन करना है कि मेंटेन थ्री पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एट द वर्किंग पोजीशन, दिस मींस टू फीट एंड वन हैंड, और व्हेन बोथ हैंड्स नीड टू बी फ्री फॉर ए ब्रीफ पीरियड, टू फीट एंड द बॉडी सपोर्टेड बाय द लेडर। क्या बोलता है कि हमको थ्री पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेंटेन करना है वर्किंग पोजिशन में, और क्या होना है कि इस ये दो पैर हमारा जो है और एक हाथ टच में होना चाहिए, यदि हमारा दो पैर है तो एक हाथ हमारा टच में वो लेडर पे होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं कि दो पैर और एक हाथ लेडर में अटैच में है, ठीक है, वो होना चाहिए। ठीक है, एंड बॉडी सपोर्टेड हमारा वो जो लेडर में है वो हमारा जो ये जो अपना स्नैप हुक है वो उस लेडर का ऊपर जो एक अपना ये दिया रहता है, क्या बोलते हैं ये, जैसे कि इसमें देखिए उसमें हुक का अपर हाइट में हाई पोजीशन में जो भी होगा उसमें हुक करके आगे बढ़ते जाने का है, ताकि हम बाय चांस लेडर के ऊपर से भी गिर गए तो वहां से भी हमको फॉल प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम में हम बहुत ऊंचा चढ़ना होता है मंकी लेडर से, बहुत ऊंचा जाना होता है, चाहे अभी हमको ज्यादा हाइट पे जाना है और हम सोचेंगे कि भाई हम चढ़ने के टाइम में थोड़े हम गिरेंगे, हो सकता है हमारा पैर स्लिप हो जाए, हो सकता है हमारा हाथ स्लिप हो जाए, तो वहां पे हमको गिरने का चांस होगा, तो उस सिचुएशन में भी हमको सेफ्टी हार्नेस प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हुक करते हुए ऊपर जाने का है, क्योंकि हमारे पास डबल ए डबल बेल्ट है, डबल हुक है, तो एक एक को रोटेट करके आगे जाएंगे। ठीक है, तो उसके बारे में बताया हुआ है। अब इसका फोल्डिंग के ऊपर में, इसका फोल्डिंग कैसा होना चाहिए और उसका क्या देखिए नाम है, तो नाम के ऊपर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक इसका फोल्डिंग का डिजाइन इस टाइप का होता है, ऐसा हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है। तो अभी इसमें देखिए, इधर से देखेंगे लेफ्ट साइड से तो क्या है इसका फोल्डिंग प्लैंक्स, ये में क्या है इसका फोल्डिंग प्लैंक्स, जो इसका फोल्डिंग प्लैंक्स क्या होगा, ये जो टॉप में जिस पर हम लोग को खड़ा होकर या वहां पे बैठ के काम करना है वो वहां पे लगा होगा इसका फोल्डिंग प्लैंक्स। ठीक है, एक ट्रांसफॉर्म है, ट्रांसफॉर्म क्या है, जो हमारा ये जो एक इसका फोल्डिंग का लेग से दूसरा इसका फोल्डिंग के लेग में जो अटैच करता है, जिसको लेजर भी इसका फोल्डर बोलता है, वो है ट्रांसफॉर्म, वो लगना होना चाहिए, वो प्रॉपर होना चाहिए, वो उसमें दिखाया गया है। तीसरा, अभी सी में देखेंगे ये जो क्रस में जो ब्रेसिंग दिया हुआ है उसको क्या है कि लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग है, तो लॉन्गिट्यूडिनल ब्रेसिंग क्या है, जो क्रॉस में हमारा ये ब्रेसिंग जो होगा वो इसका फोल्डिंग को सिक्योर करेगा कि वो इसका फोल्डिंग हिले नहीं है और स्ट्रांग हो, स्टेबल हो उसके लिए। और आप वैसे जाएंगे आगे, ये उसके नीचे क्या आएगा, जो भी हमारा ब्रेसिंग होगा या पाइप होगा जिसको हम लोग क्लैंपिंग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो कपलर बोलते हैं, जैसे इसका फोल्डर लो उसको डबल बोलता है, सिंगल बोलता है अपने लैंग्वेज में, लेकिन उस वो क्या नाम है उसका, कपलर नाम है, वो कपलर के थ्रू एक पाइप को दूसरे पाइप के साथ में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर नीचे आएंगे तो ये क्या है, डी, ये डी में आएगा ट्रांसवर्स ब्रेसिंग, मतलब इसका अपोजिट में, एक तो ऐसा ब्रेसिंग दिए, दूसरा हमको इसका अपोजिट में ब्रेसिंग देने का, तो हमारा जो इसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा मजबूत होगा, हेवी वर्किंग लोड में वो कंस्ट्रक्ट होगा, तो वो होना चाहिए। ठीक है, तीसरा हमारा देखिए अभी नीचे जो एक दिया हुआ पॉइंट कि हमारा जो नीचे का जो लेग होगा बेस प्लेट का और ये जो सोल बोर्ड होगा उसका बीच में का जो गैप है वो मिनिमम 6 इंच होना चाहिए, ये 6 इंच दिखाया है। ठीक है, 6 इंच है, और ये जो उसके बाद में देखिए ये साइड में देखेंगे लेडर है। ठीक है, तो लेडर है,
ये लेडर जो हमको चढ़ने के लिए ऊपर जाने के लिए चाहिए वो लेडर है, वो तो इस टाइप का लेडर होगा इसका फोल्डिंग में। और ये जो जैसे कि बताया बेस प्लेट है, तो जैसे ऊपर से हम लोग देखेंगे डी के बाद ई हो गया, ई में क्या हो गया टॉप रेल। टॉप रेल हमको किसको बोलते हैं, जो हमारा इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर में जो ऊपर का जो हैंडरेल होगा, जो टॉप पाइप होगा वो हमारा टॉप रेल होगा, क्योंकि ऊपर में है तो वो हमारा टॉप रेल होगा, ठीक है। फिर एल में क्या है, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार। एक जो उसमें क्या है कि जब हमको ऊपर चढ़ेंगे तो एक हमारा लिए एक ऐसा बनाया होगा क्लोजिंग, क्लोज एंड ओपन करने के लिए, हाँ, तो वो है हमारा क्लोजिंग बार, सेल्फ क्लोजिंग ड्रॉप बार। मतलब वो ऐसा बनाया रहेगा, ऐसा एंगल में बनाया रहेगा कि वो उतना ही खुलेगा जितना से आप अंदर चले जाए, प्लेटफॉर्म के अंदर चले जाए, और जैसे उसको छोड़ेंगे तो वो नीचे गिर करके बंद हो जाएगा, वो ड्रॉप होकर के क्लोज हो जाएगा वो एक्सेस, ताकि हम बाय चांस रिवर्स हो गए तो हमको वो प्रोटेक्ट करेगा, हमको पीछे और नीचे गिरने नहीं देगा, ठीक है। तो वो है, उसके बाद नीचे आएंगे तो एक फॉल्स अपराइट है, उसका जो सपोर्ट है वो होगा। उसके बाद मिड रेल आएगा, जैसे कि टॉप रेल है उसके बीच में मध्य में वो मिड रेल आता है। वो मिड रेल क्यों जरूरी है, क्योंकि ये टॉप रेल और इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म के बीच में मिनिमम आपको एक मीटर का गैप होगा, ठीक है, ऑलमोस्ट एक मीटर। अभी देखिए इधर दिखाया हुआ है, मतलब कितना 36 इंच से लेकर 45 इंच तक दिखाया, मतलब 0.95 to 1.15 मीटर, मतलब इतना बेसिक समझ लिए कि एक मीटर का रेशियो में वो गैप होगा, ठीक है। तो इसलिए एक मीटर का रेशियो में जब गैप होगा तो क्या होगा कि कोई भी आदमी यदि टॉप रेल से टकरा करके यदि बेंड हो गया, चाहे कुछ बड़ा भी ऑब्जेक्ट है तो बाहर आने का चांस है, इसलिए उसमें मिड रेल देंगे तो क्या होगा वो हाफ मीटर का रेंज में आ जाएगा, उसका बीच में एक सपोर्ट हो जाएगा, तो बाय चांस हमारा पैर गया या हाथ गया तो हम उससे टकरा करके रुक सकते हैं, बाहर जाने का चांस नहीं होगा, इसलिए मिड रेल भी जरूरी है। उसके नीचे आएंगे, जब प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म बना हुआ है उसके साइड में देखेंगे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है, वो बोर्ड को क्या बोलते हैं, टो बोर्ड। टो बोर्ड क्या करता है कि कोई भी सामान जो सरफेस पे है, जो इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर है, वहां से स्लिप होकर के जाएगा तो वो टो बोर्ड के टकराव से रुक जाएगा, वो बाहर नहीं गिरेगा, चाहे वो कोई सामान है या अपना पैर ही है, अपना हाथ ही है। यदि हम कहीं स्लिप हो गए तो वो सरफेस पे स्लिप होकर के जा रहे हैं तो वो जाकर टो बोर्ड से टकरा जाएंगे, वहां पर रुक जाएंगे, चाहे हमारा कोई टूल्स है या कोई नट एंड बोल्ट है, कोई गैसकेट है, यदि उसमें स्लिप हो गया तो क्या हो गया कि वहां से टो बोर्ड से टकरा करके नीचे नहीं गिरेगा, जिससे हमको क्या होगा कि नीचे कोई आदमी काम कर रहा है वो उसको नुकसान नहीं होगा, या वो आइटम नुकसान नहीं होगा, या हम यदि गिर गए तो हमको कोई इंजुरी नहीं होगा, इसलिए टो बोर्ड बहुत ही जरूरी है, वो हमको चेक करना है, ठीक है। और स्टैंड क्या है, इसका स्टैंड है ये जो वर्टिकल जो लेग खड़ा रहता है वो सब स्टैंड में आएगा, वो स्टैंड के ऊपर ही वो पूरा स्ट्रक्चर बना रहता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिजाइन है और बेसिक इसका फोल्डिंग का रिक्वायरमेंट है और इसका नाम है, जो आप लोग भी जानते हैं और इसको माइंड में रखना कि इस टाइप का इसका फोल्डिंग बना है तो हमारे लिए सेफ है, और इस डिजाइन में बना है तो सेफ है, अदरवाइज दूसरा टाइप के बनाया हुआ है, इसमें मान लीजिए इसका फोल्डिंग बनाया हुआ है कहीं पैसा मिलेगा, इसमें मिड रेल नहीं होगा तो उसमें हम जाएंगे नहीं जाएंगे, यही हमको चेक करना है कि यदि कोई इसका फोल्डिंग बना हुआ है उस पे कोई इस जैसा स्ट्रक्चर में कोई भी पार्ट मिसिंग है तो वो इसका फोल्डिंग को हमको यूज नहीं करना है, मतलब वो इसका फोल्डिंग सेफ नहीं है, वो इसका फोल्डिंग पे हम काम करेंगे तो कुछ ना कुछ अनहैपन होने का चांस होगा। तो इसलिए यदि टोबोर्ड नहीं है तो भी वो अनसेफ है, यदि वो टॉपरेल नहीं है तो भी अनसेफ है, यदि उसमें ब्रेसिंग नहीं लगाए हैं तो भी अनसेफ है, क्योंकि हम ऊपर में चले गए तो वो हिलेगा, सपोर्ट नहीं होगा उसको, स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर में बना हुआ इसका फोल्डिंग हमको यूज करना है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि इवेक्युएशन एट हाइट, हाइट से हम लोग कैसे, कोई इमरजेंसी अलार्म आ गया, कोई इमरजेंसी कॉल हो गया तो हम लोग हाइट से कैसे इवेक्युएट होंगे, कैसे ऊंचाई से हम लोग बाहर आएंगे नीचे आएंगे, तो उसके बारे में जैसे क्या है कि व्हेन अलार्म साउंड लीव इमीडिएटली बाय द नियरेस्ट एग्जिट, तो जब
अलार्म का आवाज आया, जब घंटी बजा, खतरे का घंटी बजा, अलार्म आया, साउंड आया, हमको क्या करना है कि इमिडिएटली हमको साइट को से बाहर आना है, एग्जिट होना है, वो हमारा वर्क प्लेस को छोड़ करके हमारा नियरेस्ट एग्जिट पॉइंट है, उसे हमको जाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इन्फॉर्म द रेस्क्यू टीम एंड टीम इन केस ऑफ एनी असिस्टेंस, यदि आपको कुछ असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हाइट पे काम करना है, बहुत सारा आदमी ऐसा होगा कि जो उधर फंस गए, नीचे नहीं आ सकते हैं, तो उनको क्या चाहिए, जो बाहर से है, जो आदमी बाहर में देख रहा है, जो बाहर निकल गए, वो क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म करेंगे रेस्क्यू टीम को कि एक आदमी ऊपर में फंसा हुआ है, तो इससे क्या होगा, उनको तत्काल रेस्क्यू करके उनको बचा लिया जाएगा, खतरे से बाहर निकाल लिया जाएगा। तो रेस्क्यू टीम को यदि चाहिए, यदि जरूरत है, तो उनको इन्फॉर्म करके रेस्क्यू करें। जैसे देखिए रेस्क्यू टीम वहां पर पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे एक आदमी जो ऊपर में फंसा है ना, उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, ठीक है। प्रोसीड इन एन ऑर्डिनरी मैनर टू द असेंबली पॉइंट, ये क्या है कि हमको असेंबली पॉइंट में हमको जाना है, लेकिन हमको सेफ मैनर में जाना है, ठीक है। ये नहीं कि हम लोग हरी हरी करके हमको वो असेंबली पॉइंट में जाएंगे, असेंबली पॉइंट में हम लोग जल्दीबाजी में दौड़ के चले गए और मालूम पड़ा कि कुछ रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल है, क्लियर एक्सेस नहीं है। जैसे कि हम बात किया कि हम लोग हाइट में काम कर रहे हैं तो क्लियर एक्सेस होना चाहिए, तो यदि क्लियर एक्सेस नहीं है तो उससे हम लोग स्लिप ट्रिप होने का चांस होगा, वहां पर भी हम गिरेंगे तो भी हमको नुकसान होगा, वो देखना है। उसके बाद रिमेन एट द असेंबली पॉइंट अंटिल ऑल क्लियर इज गिवन, तो हमको असेंबली पॉइंट में कब तक रहना है, जब तक कि ऑल क्लियर का सायरन नहीं मिल जाए, ऑल क्लियर का साउंड हमको सुनाई ना दे, तब तक हमको असेंबली पॉइंट में ही रुकना है, ठीक है। उसके बाद है प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जॉब में, क्योंकि कई सारा काम ऐसा है कि यदि कम्युनिकेट बराबर नहीं कर रहे हैं तो उसमें खतरा जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लो लेवल का खतरा वो हाई लेवल में चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बराबर नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, खास करके हम लोग जो मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं, यहाँ पर खतरा कभी भी ज्यादा है, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वहां पर खतरा थोड़ा कम होगा, क्यों, क्योंकि पूरा सिस्टम नया है, नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, लेकिन यहां पर जो मेंटेनेंस में काम कर रहे हैं तो वहां पे क्या है ना कि आप लाइव लाइन के साथ काम कर रहे हैं या लाइव लाइन के नजदीक काम कर रहे हैं, तो वहां पे खतरा ज्यादा है। तो इस सिचुएशन में आपको कम्युनिकेट करना है बरोबर अपने सुपरवाइजर के साथ में, अपने कोवर्कर के साथ में, आपको कम्युनिकेट बरोबर करना है, जिससे हमको कोई भी खतरा है, कोई भी अनहैपन होने का है तो उससे हम अवेयर हो सके। हो सकता है कोई आपके साथ वाले ने काम पे पूरा फोकस लगा दिया, वहां पे दूसरा कुछ खतरा उधर उत्पन्न हो रहा है उस काम के थ्रू, तो वो उनका फोकस नहीं जा रहा है, लेकिन हमने देख लिया तो उनको हमको अवेयर करना है, एक दूसरे से बात करके हमको बताना है, मतलब एक दूसरे के साथ में तालमेल रखना है, तो कम्युनिकेट करने का। कंडक्ट टास्क स्पेसिफिक एक्टिविटी प्रायर टू द वर्क, इसमें जैसे कि हम बोला कि हम लोग बात करना है, वही है टूल बॉक्स टॉक करना है, किसके बारे में, जो हमारा काम है, जो एक्टिविटी है उसके स्पेसिफिक, उसके ऊपर बात करना है कि हम जो काम करने जा रहे हैं इसमें ये खतरा है, हमने ऊंचाई पर काम करना है, हमने केमिकल के साथ काम करना है, हमने ये प्रोसेस लाइन का काम करना है, हमने यूटिलिटी का काम करना है, जो भी एक्स वाई जेड जो भी एक्टिविटी है उसके ऊपर डिटेल में बात करना है कि उसका खतरा क्या है और उससे कैसा बचेंगे। खतरा जब बात करेंगे तो बचाव ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा, तो उसके ऊपर हमको होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में है कम्युनिकेट द हजार्ड एंड एडेक्वेट कंट्रोल मेजर विद द क्रू मेंबर, हमको क्या करना है कि जो उसका खतरा है, जैसे कि बोला वो खतरा के बारे में कम्युनिकेट करना, अपने साथ वाले से हमको बात करना है और उसका जो कंट्रोल मेजर है उसके ऊपर भी बात करना है, ये सब टूलबॉक्स में हमारा कवर होना चाहिए। प्रॉपर कम्युनिकेशन इंश्योर एवरीवन अंडरस्टैंड देयर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्या है कि जो हमारा कम्युनिकेशन का मेन पर्पज है कि हमको ये इंश्योर करना है कि हमारा जो साथ में काम कर रहा है, जो भी हमारे को वर्क कर रहे हैं, वो अपना ड्यूटी को, अपना जिम्मेवारी को समझे, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे कि हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको एक टास्क मिला है उसको कैसे ही सेफली सही तरीका में सही प्रोसीजर के साथ में
करके हमको बाहर जाना है, तो वो अपने ड्यूटी को समझना है, उसको कम्युनिकेट करना है, हमारा जो ड्यूटी है, हमारा जो जॉब है, यदि हमको एक ब्रांच ओपन करना है तो साथ वाले जो साइड में जो हमारे साथ वाले होंगे उनके साथ हमको तालमेल रखना है कि हम ये बोल्ट खोल रहा हूँ तो यहाँ से स्पिलेज होने का चांस होगा, आप ये साइड में मत बैठो, आप यहाँ पर रुको, यदि कोई ग्राइंडिंग कर रहा है तो साथ वाले का बता के है कि नहीं आपने ग्राइंडिंग कर रहा है तो इधर स्पार्क आएगा, फायर ब्लैंकेट प्रॉपर कवर होना चाहिए, तो ये सारा कम्युनिकेशन का पार्ट है। यदि कम्युनिकेशन है, यदि फैब्रिकेटर ग्राइंडिंग कर रहे हैं और अमला ओके वो ग्राइंडिंग कर रहे हैं, क्या होगा, ग्राइंडिंग वो कर रहा है ना, उसमें तो हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो जाएगा, क्या कर रहा है, उनका तो फोकस ग्राइंडिंग पे है लेकिन वो स्पार्क कितना दूर जा रहा है वो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो सील पहने हुए है, वेल्डिंग बेलर वेल्डिंग कर रहा है वो वेल्डिंग पे ध्यान है और उसका स्पार्क और उसका ग्राइंडिंग से जो भी इग्निशन है कहां तक जा रहा है वो नहीं देख रहा है, तो हमको कम्युनिकेट करके हमको एक दूसरे से टूलबॉक्स में पहले ही वार्तालाप कर लिए होंगे तो हमको मालूम रहेगा कि इसमें एक खतरा पैदा होगा उससे ऐसा बचना है, तो साथ वाले जो होंगे उसको यदि ऐसा कुछ स्थिति आता है तो उसको कवर करेंगे, उसको अटेंड करेंगे, ठीक है, तो वो होना चाहिए। और मतलब क्या है कि आपका ड्यूटी बन गया कि हाँ हमको ये जॉब में ये जिम्मेवारी मिला है इसको निभाना है, तो ये कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा वर्क एट हाइट का बारे में कि हमको जो भी वर्क एट हाइट के ऊपर टास्क मिल रहा है तो इसमें एक स्टेप आगे जाकर के सेफ्टी के बारे में सोच करके हमको काम करना है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, हम हाइट पे काम कर रहे हैं, हाइट पे जब काम कर रहे हैं, जब हाइट का मामला आ गया तो हमारा जो बॉडी पार्ट्स है उसका तो नुकसान हो सकता है, साथ ही साथ मटेरियल का भी नुकसान होगा, साथ ही साथ इक्विपमेंट का भी नुकसान होगा, तो वो चीज को हम अब समझिए कि हम काम कर रहे हैं हाइट पे और हम सोचेंगे कि हमारा काम से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा मटेरियल स्टोरेज ऐसा कर दिए चाहे हमारा हाथ से कोई टूल से स्लिप हो गया, तो यदि कोई नीचे होगा काम कर रहा होगा या वॉकिंग कर रहा होगा नीचे, कोई मान लीजिए कि नीचे एक्सेस है तो उनको ऊपर आकर के वो ऑब्जेक्ट गिरेगा तो वो क्या प्रॉब्लम, आपके काम में नहीं वो लेकिन आपके रिलेटेड वो है क्योंकि आपने वो मिसिंग किया जिसको वजह से दूसरे को प्रॉब्लम हो गया, तो ये हमको माइंड में रखना है। कोई टूल्स है तो उसके लिए हमको ये क्या है फिंगर सेवर लगा के देते हैं क्योंकि हमको हाइट पे काम करना है, तो फिंगर सेवर लगा लीजिए कि बाई चांस हमारे हाथ से स्लिप भी हुआ वो स्पिनर तो हमारा फिंगर सेवर है उसको रोकेगा, हम लोग को टूल टाई यूज करने के लिए बोलता है कि वो स्पिनर स्लिप हो गया, वो हैमर स्लिप हो गया तो भी वो टूल टाई की वजह से वो नीचे नहीं गिरेगा, उसका यदि मटेरियल छोटा छोटा है उसको जैसे पहले भी बताया कि उसको सिक्योर करके रखना है, एक बकेट में रखना है, नहीं तो नीचे छोटा छोटा गैप है तो उसको एक प्लास्टिक का कवर दे देना, यदि वहां पर हटवर्क नहीं हो रहा है तो नहीं तो हटवर्क एरिया है तो वहां पर प्रॉपर जो भी कस्टेबल मटेरियल है जो भी फ्लेमेबल मटेरियल है उसको पहले हम लोग को निकाल देना है, वो तो कहीं पे भी अप्लीकेबल होगा, हटवर्क एरिया है वो प्रॉपर नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई भी फ्लेमेबल आइटम वहां पर नहीं होना चाहिए, ना कि वहां पर कोई भी ऑयल मतलब स्पिलिंग होना चाहिए, तो वो सारा चीज हमको ध्यान में रख करके ये करना है।